हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है ब्रह्मावस अमावस की, जो बट सावित्री की पूजा होती है वो आज है। तो हमारे यहाँ बट सावित्री की पूजा 7वें दिन होती है, तो सप्तमी वाले दिन होगी। तो आज हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, लेकिन ये है कि अमावस के दिन पंडित जी खाना खाते हैं। तो आज पंडित जी के लिए खाना बनाना है। अभी मैं सो के उठ के और छवि के लिए टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया है, उसको नाश्ता दे दिया। वो चली गई है, समर कैंप लगा हुआ है उसके स्कूल में, अभी बंद नहीं हुआ है स्कूल। देखते हैं, हो सकता है 20 तारीख तक बंद हो। तो वो चली गई है और उसके बाद मैंने चाय वगैरह बना के सबको दे दिया। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने करके अभी मैं चाय पी के बैठी हूँ। अभी मैंने इसको मान्या को दूध दिया है और मान्या दूध पी रही है। तो आप देख सकते हैं कि मान्या को मैंने अभी दूध दिया है, मान्या दूध दे के पी रही है। और आपको बता दूं कि अभी मेरा खाना भी नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी नहाऊंगी तब खाना बनाऊंगी। और हमारे पंडित जी आके बैठे हुए हैं, तो अच्छी बात है बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी आ जाते हैं तो फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अभी मम्मी गई हैं बाथरूम में नहाने, उसके बाद मैं जाऊंगी, तो उसके बाद निकल के खाना बनाऊंगी। और पंडित जी आ गए हैं, अब उनके लिए पहले चाय बना के दे दूं, क्योंकि अब ये है कि पहले आ गए हैं। वैसे हमने कह चुका था कि मतलब थोड़ा लेट में भी आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग हैं, वो सोचते हैं कि बस नहा धो के अपना सुबह चल देते हैं। तो अब चल रही हूँ मैं नहाने और उसके बाद खाना बनाऊंगी। सब्जी वगैरह काट के मैंने रख दिया है, तो देखते हैं। तो गैस, मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और आने के बाद मैंने सब्जी भी बना लिया, क्योंकि कट करके रखा हुआ था सब्जी मैंने पहले से ही, तो सब्जी बना लिया है। और इधर ये आलू टमाटर की सब्जी बनाई हूँ और उधर गोभी और आलू की सब्जी बनाई हूँ। तो दोनों सब्जी मेरी बन चुकी है और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। अब इधर मैं खाना फटाफट सेकूँगी पूड़ी। तो पंडित जी आके बैठे हुए हैं और उनके लिए मैं खाना सेक रही हूँ। तो पहले से ये सब सब्जी काट के रखी थी, फिर नहाने चली गई, तो ये है कि नहा धो के आई, फिर फटाफट मैंने सब्जी छौंक दिया और ये सब रेडी हो गया है। तो अब इधर मैं ये खाना सेक दूँगी और पंडित जी के लिए मैं पहले से थाली लगा के रखी हूँ। अब ये भगवान जी के लिए थाली निकाल रहे हैं, तो भगवान जी को पहले भोग लगेगा, फिर उसके बाद से पंडित जी के सामने को थाली दिया जाएगा। तो इधर खाना हमने निकाल लिया है पंडित जी के लिए, अब दे देंगे। तो उसके बाद मैं ये नहा धो के निकल गई थी, मैं बाथरूम में सारे कपड़े रख दिए थे क्योंकि पंडित जी बैठे थे तो बहुत जल्दी थी, तो सारे कपड़े मैंने भिगो दिए थे सर्फ में। तो उसके बाद मैं ये कपड़े धो रही हूँ। तो पंडित जी खा के चले गए हैं, सारा काम ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये सारे काम ख़त्म हो गए हैं। मैं झाड़ू पोछे का तो ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि इसके पहले वाले सारी वीडियो में बनाई हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो इधर जितने कपड़े हैं उसको मैंने धो लिए हैं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, ये सारे कपड़े धुल चुके हैं गाइज, बाय।